एक्सचेंज छापता है ट्रांजेक्शन फीस के नाम पे पैसे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी 55 पैसे के समथिंग नेटवर्क फीस लगने वाली है, जो कि सिर्फ मैं एक यूएसडीसी से थोड़ा सा अधिक ही भेज रहा हूँ। उस कंडीशन में आपको कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, कॉइनडीसीएक्स वेब 3 वॉलेट से यूएसडीसी को कॉइनडीसीएक्स एक्सचेंज की मेन वॉलेट में भेजते समय, क्योंकि आपको काफी ज्यादा फीस यहाँ पर पे करनी पड़ती है। काफी बार आपको 50-50, 60-60 रुपए फीस पे करनी पड़ती है। सो अगर आपको कभी भी यहाँ पर फंड को ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं मिलता है यूएसडीसी का, तो आप कभी भी कन्वर्ट मत कीजिएगा, बल्कि आपको थोड़ा वेट करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कॉइनडीसीएक्स वेब 3 वॉलेट के माध्यम से आप किस प्रकार से किसी भी कॉइन को भेज सकते हैं अपने कॉइनडीसीएक्स एक्सचेंज की मेन वॉलेट में। लेकिन मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में यूएसडीसी का, लेकिन आप सेम स्टेप फॉलो करके किसी भी टोकन को भेज सकते हैं अपने कॉइनडीसीएक्स एक्सचेंज की मेन वॉलेट में। सो यूएसडीसी को कॉइनडीसीएक्स एक्सचेंज के मेन वॉलेट में भेजने के लिए कुछ आसान से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप है, आपको अपने मोबाइल फोन में कॉइनडीसीएक्स एक्सचेंज का मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लेना है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको वेब 3 का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में कॉइनडीसीएक्स वेब 3 का कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, आप यहाँ वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके वॉलेट में जितने भी फिलहाल कॉइन्स रखे होंगे वो सभी कॉइन्स आपको दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर ऊपर दो ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ रिमूव फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके वॉलेट में जितने भी टोकन्स हैं और फिलहाल आप इनमें से जो भी टोकन को भेज पाएंगे कॉइनडीसीएक्स एक्सचेंज के मेन वॉलेट में, वहां पर आपको अनसपोर्टेड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हैं और मान लीजिए आपके वॉलेट में यूएसडीसी है और आपको यूएसडीसी को भेजना है कॉइनडीसीएक्स एक्सचेंज के मेन वॉलेट में, लेकिन यहाँ पर लिखा है अनसपोर्टेड या अनअवेबल। सो बेसिकली आप ऐसा जल्दीबाजी ना करें कि उसको कहीं कन्वर्ट कर ले, या आपको सजेस्ट किया जाए कि इसको कन्वर्ट कर लीजिए यूएसडीटी में। सो आप कन्वर्ट करेंगे, आपकी नेटवर्क फीस लग जाएगी बहुत ज्यादा। सो आपको पता होगा कि कॉइनडीसीएक्स वेब 3 पर जब भी आप ट्रेड करते हैं, आपकी ट्रांजेक्शन फीस अलग से लगती है और नेटवर्क फीस अलग से लगती है। सो 50-60 रुपए तो मिनिमम आप मान के चलिए कि आपके लग ही जाएंगे। तो फिलहाल मैं यूएसडीसी को भेज रहा हूँ कॉइनडीसीएक्स एक्सचेंज के मेन वॉलेट पर। सो यूएसडीसी के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद में मेरे वॉलेट में जितना भी फंड होगा जो कि कॉइनडीसीएक्स वेब 3 के वॉलेट में है, इसमें से मैं कितना भेजना चाहता हूँ कॉइनडीसीएक्स एक्सचेंज के मेन वॉलेट में टोटल फंड में से, वो मुझे अमाउंट वाले ऑप्शन में डालना है। जैसे मान लीजिए मैं पूरा भेजना चाहता हूँ, पूरा अमाउंट मैंने यहाँ डाल दिया है। उसके बाद में नीचे आपको अमाउंट दिखाई देगा कि आपको कितना मिलने वाला है कट पिटने के बाद में। आपकी ट्रांजेक्शन फीस भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाती है। ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए स्वैप करना होगा। जैसे ही आप स्वैप करेंगे, आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एटलीस्ट 1-2 मिनट का वेट करना है, आपका जो ऑर्डर है वो सिंपली उसी समय के दौरान एग्जीक्यूट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ऑलरेडी 2-5 मिनट का समय दिया गया, बट इतना समय लगेगा नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो ऑर्डर है सिंपली वो एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं यहाँ ओके पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कॉइनडीसीएक्स वेब 3 से जो मेरा यूएसडीसी था सिंपली वो माइनस हो चुका है। एंड मैं अगर एक बार बैक आऊंगा एंड अगर अपने पोर्टफोलियो पर क्लिक करूंगा कॉइनडीसीएक्स ऐप के पोर्टफोलियो पे बेसिकली, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो यूएसडीसी वो ऐड हो चुका है। अगर मैं यूएसडीसी के ऊपर क्लिक करूंगा तो जितना भी मैंने भेजा था वो क्रेडिट हिस्ट्री में मुझे देखने के लिए मिल रहा है। सो आप यहाँ पर टाइम एंड डेट भी देख सकते हैं। सो कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करके आप यूएसडीसी को भेज सकते हैं कॉइनडीसीएक्स वेब 3 के माध्यम से। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।